हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज डे थ्री ऑफ नवरात्रि है एंड टुडेज कलर इज़ वाइट। सो आप जैसे देख सकते हो, मैंने पूरा वाइट अटायर किया है, वाइट कलर का ये लखनवी कुर्ती जो आता है वो पहना है। एंड आई जस्ट लव वेयरिंग लखनवी कुर्ती। मुझे इसका फैब्रिक और जो डिज़ाइन इसमें वर्क किया हुआ रहता ना, आई जस्ट लव वेयरिंग लखनवी कुर्ती। से मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कुर्तीज़ है और हर साल मैं नवरात्रि में यही पहनती हूँ जब भी वाइट होता है तो। लेकिन ये पूरा प्लेन वाइट है इसलिए मैंने इसके साथ ये कलरफुल मल्टी कलर का नेक पीस मैच किया है। सो इट्स लुकिंग नाइस, ऐसे वाइट पे उठ के दिख रहा है। एंड मैंने, मम्मी ने और परी ने, हम लोग ने तीनों ने वाइट कॉम्बिनेशन किया है। ये रही परी, उसका भी जस्ट ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो गया है और एज़ यूजल वो अपने खेलने में बिजी हो गई है। नानो से हाय, एटलीस्ट से हाय नानो, सी एवरीबडी इज लुकिंग एट यू, से हाय, लेट इट बी। एनी वेज, एंड पीपल हु आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वी आर पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली एंड यूट्यूब जर्नी। और आज घर पर हम लोग तीनों ही वाइट कॉम्बिनेशन में, सुशांत और निशु दोनों ही अर्ली मॉर्निंग बाहर जा चुके हैं किसी काम से, सो दे आर नॉट देयर फॉर लंच ऑल्सो। डायरेक्टली वो लोग शाम को आने वाले, तो अभी लंच के लिए हम लोग चारों ही, मैं, मम्मी, परी और डैडी है। डैडी तो कोई कलर कॉम्बिनेशन हमारे साथ करते नहीं है, ही इज़ ऑलवेज इन वाइट, क्या बोलते हैं वो, सदरा जो रहता है ना, वो डैडी हमेशा घर में वही कॉटन का पहनते, सो ही इज़ नेवर देयर टू मैच विथ अस इन एनी ऑफ द कलर कॉम्बिनेशन। और हम लोग डैडी को फोर्स भी नहीं करते बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट कम्फर्टेबल टू डू एज वॉट यू वॉन्ट टू डू इट, सो वी डोंट फोर्स हिम, वी लेट हिम बी एज ही वॉन्ट्स टू बी। बट मम्मी ने जो वाइट कलर की साड़ी पहनी है ना, वो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाती हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉटन कलर का वाइट साड़ी, उस पर पूरा रेड कलर का बॉर्डर पे वर्क किया हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। और ये साड़ी ना मम्मी को सुशांत का एक फ्रेंड है बोनी करके, उसने गिफ्ट दिया था गुवाहाटी से, स्पेशली वहाँ से उसने कुरियर भेजा था, तीन साड़ीज भेजा था उसमें, उसमें से ये वन ऑफ द कॉटन का साड़ी जो बहुत अच्छा है, एकदम हल्का कॉटन मटेरियल का है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और आज लंच में एकदम सिंपल है, दाल, राइस, चपाती और मैं गोभी की भाजी बनाने वाली, सो वी आर गोइंग टू डू अ वेरी सिंपल लंच टुडे। मैं आप लोगों को मम्मी से मिलाती हूँ, एज यूजुअल मम्मा वही कर रही है जो आपको रोज के ब्लॉग में कल तीन दो दिन से देखने मिल रहा है, तो दिखाते हैं आपको मम्मा क्या कर रही है। तो देखिए, ये वाइट कलर की साड़ी है जिसके बारे में मैं आपको बोल रही थी, प्योर कॉटन का है और मम्मी ने इसको रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन किया है क्योंकि उसको रेड बॉर्डर है, तो रेड ब्लाउज लिया है, कॉटन में है, बहुत कंफर्टेबल है डेली वेयर के लिए। और आप जैसा देख सकते हो, मम्मी के हाथ में हार बना के रेडी हो चुका है डे थ्री का, तो नाउ शी वॉन्ट्स टू गो इनसाइड टू डू हर पूजा। तो मेरे को आपको बेसिकली साड़ी दिखाना था कि हम लोग तीनों आज वाइट वाइट में है, तो ठीक है मम्मा आप जा सकते हो पूजा करने के लिए बिकॉज लेट हो चुका है, तो शी इज़ नॉट वेटिंग। एंड लुक एट सानू, उसकी मस्ती तो चालू ही है। अभी हम लोग जा रहे हैं किचन में डे थ्री का पूजा करने के लिए। मम्मी यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही है, तो हम लोग नौ दिन भगवान जी को तो जगह पे से नहीं हिलाते, बट भगवान जी के अलावा जो ये बाकी की चीज़ें हैं ना, जैसा ये अगरबत्ती का स्टैंड हो गया, घंटी हो गया, निरंजन, दो निरंजन जो सुबह और एक शाम को हम लोग जलाते हैं, और ये नैवेद्य का वाटी है चांदी का जिसमें शक्कर दिखाते नैवेद्य भगवान जी को, और ये अक्षद और गंध जो बोलते हैं ना, वो उसका प्लेट है, और इसमें मम्मी ने चावल रखा है और कपूर डाल के फिर मम्मी आरती करती है। तो ये सिर्फ रोज़ नौ दिन में यही इतना ही सामान मंदिर से नीचे उतार के इसको क्लीन करके पूजा करते, बाकी का तो जो भगवान जी जहाँ जगह पे है वहीं पे रख के सिर्फ साइड साइड से जितना हो सके उतना फ्लावर्स वगैरह या जो भी अगरबत्ती का गिरता है ना, वो सब हल्के से मम्मा पोछ लेती है और उसके बाद देन शी स्टार्ट्स द पूजा। और ये दो हार देखिए, डे टू का दो हार लगा हुआ है, आज मम्मी फिर ये थर्ड हार जो बना है ना वो लगाएगी। तो ऐसे ही हम लोग के घर में एक के ऊपर ऐसा नौ हार बनता है और उसके बाद दसवें दिन पे वो उतारा जाता है, दसवें दिन पे चढ़ा के उतारा, हाँ दसवें दिन पे दसवां हार ना, दसवां हार लगा के फिर उसके बाद उसको उतारा जाता है। तो आप लोगों को तो सबको पता है हम लोग के घर में मम्मी एकदम मास्टर है पूजा वूजा में, उनको बहुत नॉलेज है, तो इसके लिए मोस्टली आप लोगों को मेरे व्लॉग में मम्मी ही दिखती है पूजा करते हुए बिकॉज शी इज़ मोर इंटू इट, उनको ये सब चीज़ में इंटरेस्ट भी है और उनको पसंद भी है, तो पहले से मम्मा ही करती है, इसलिए हम लोग घर में मोस्टली पूजा मम्मा ही करती है ना मम्मा? हाँ, बहुत अच्छा लगता है पूजा करने के लिए। खाना का डिपार्टमेंट मम्मी ने छोड़ दिया है, बीच बीच में ही आती है मम्मा, बीच बीच में खाना बनाती है, अभी बहू के हाथ में दिया है, अभी वो इतना साल से कर करके ना अभी
हो गया है तो नाउ शी डजंट वांट टू डू इट एनीमोर। बहू है ने बेटी है, हाँ उसके हाथ में सब दिया है, तो वो सिर्फ मुझे बता देती है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेनू क्या बनाना है, एंड देन थोड़ा बहुत मम्मी हेल्पिंग हैंड करती है, ऐसा नहीं कि मैं पूरा ही करती हूँ, शी डज द हेल्पिंग हैंड ऑल्सो, बट मम्मी मोस्टली पूजा का तो डिपार्टमेंट मम्मी के पास ही है क्योंकि उनको सब रिचुअल्स वगैरह प्रॉपरली पता है, तो इसलिए मम्मा ही करती है। तो नाउ लेट हर डू हर पूजा और उनको डिस्टर्ब नहीं करते, मैं आपको बाकी का दिखाती हूँ। और मैंने आप लोग को कल बोला था कि 9 दिन का पूजा का कॉन्ट्रैक्ट मम्मी ने सुशांत को ही दिया है, तो यस उसको ही दिया है, तैयारी वैरी करके फिर पूजा सुशांत ही करते हैं, बट एज आई टोल्ड यू ही इज़ नॉट अवेलेबल टुडे, वो बाहर गया है, तो इसके लिए आज मम्मी पूजा कर रही है, वरना सुशांत को ही दिया है, क्योंकि पूरा ट्रिप पे वो 6-7 महीना शिप पे रहता है तो उसको ये सब चीज़ करने नहीं मिलता है, तो इसलिए जब भी वो यहाँ पर आता है घर पे वेकेशन पे तो ही ट्राइज के वही पूजा करे, ताकि उतना ही उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है घर में, तो इसलिए मम्मी ने 9 दिन का ना उसको कहा था कि पूजा तो ही करना, बट अर्जेंटली ही हैड टू गो फॉर सम वर्क, तो वो लोग अर्ली मॉर्निंग ही चले गए, इसके लिए मम्मा आज पूजा करिए, वरना आप लोग बोलोगे इशिता आपने कल बोला था 9 डेज सुशांत पूजा करने वाला है तो आज मम्मी क्यों कर रही है, तो दिस इज़ द रीज़न वाई मम्मा इज़ डूइंग, बिकॉज ही इज़ नॉट अवेलेबल एट होम। और अभी मैं फटाफट 11:30 हो चुका है, अभी भी मुझे चपाती भाजी दाल चावल सब बनाना, बाकी मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मेरा सब रेडी हो गया, चपाती का डो मैंने सुबह ही बना दिया था क्योंकि ये लोग इतने सुबह सुबह चले गए, तो वो लोग ने चाय पराठा का नाश्ता कर लिया था ताकि फिर ऑन द वे उनको कहीं रुकना ना पड़े, और दोपहर का लंच भी आई डोंट नो दे गोइंग टू डू इट आउटसाइड या क्या करने वाले, इसलिए थोड़ा उनको हैवी ब्रेकफास्ट करा के हम लोग ने सुबह भेज दिया, तो उसमें से ही मेरा डो अभी तक बचा है जो मैंने दोपहर के लिए रखा था ताकि मैं गरम गरम ही बनाऊँ, वरना तो मैं सुबह ही बना लेती, बट आई थॉट अभी हम लोग 4 जन ही है तो मैं सुबह ही ना बना के रखूँ, तो इसलिए मैंने आटा वैसे ही रख दिया। अभी मैं फटाफट गरम चपाती बना लूँगी, गोभी की भाजी, दाल राइस एंड कर्ड इज़ देयर, तो ये आज का मेनू है, तो अभी मैं फटाफट कुकिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। यस अनु, इसको हर थोड़े थोड़े देर में ना आई होता है, पता नहीं इसका क्या लॉजिक है, उसको बचपन से ही वो आदत लग गई है कि हर थोड़े देर में ना खाना भी खा लेगी ना तो भी उसको ऊपर से कुछ तो चॉकलेट या कैडबरी कुछ तो दी, तब जाके उसको सेटिस्फाई फील होता है कि हाँ मेरा पेट ना भी भर गया, उसका मेंटली साइकोलॉजी वैसे ही हो गया, कितना भी आप उसको खिला लो एकदम पेट भर के फिर भी वो आके आपको आ करेगी कि उसको कुछ तो खाने के लिए मीठा चाहिए, आप उसको बिस्किट दे दो, क्रीम वाली बिस्किट, कैडबरी दे दो या जेली दे दो, कुछ भी, बट उसको थोड़ा सा कुछ तो चाहिए आफ्टर शी इज़ डन विथ हर फूड, तो अभी देखो वो मेरे से वही मांग रही है कि उसको कुछ तो खाने के लिए चाहिए, हाँ देते देते का देते, तो मैं उसको फट से कुछ दे देती हूँ, हाँ वन चलिए, हाँ देते देते एंड लुक एट सानू व्हाट शी इज डूइंग, वो अभी ठंडा ठंडा लस्सी एंजॉय कर रही, दिखाओ नानू व्हाट यू ड्रिंकिंग, कौन लेकर आपके लिए, बाबा यानी उसके दादाजी, अभी ना मैं आप लोगों को बता दूं हम लोग का किचन में क्या चल रहा है, ये हम लोग के फ्रिज में ना बटाटे की भाजी थोड़ी सी रह गई थी, बच गई थी, तो अभी मम्मी ने उसको निकाला है बाहर, और बटाटा का जो भजी का बेसन था ना वो भी बैटर थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड करके मम्मी ने उसको बढ़ा दिया, और अभी हम लोग इसके छोटे छोटे ना बटाटा वड़ा बना के, जिसमें मैंने चपाती बनाया था उसमें ही मम्मी अभी इसको छोटा छोटा बटाटा वड़ा बना के फ्राई कर रही है, शैलो फ्राई कर रही है, सो वी आर डन विद द लंच, हम लोग का लंच बना के हो गया, सो अभी ये रह गया है, तो ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग करेंगे लंच, एंड बस यही चल रहा है अभी, बस इतना ही बचा है, सो दिस इज़ इट, आई एम एंडिंग द व्लॉग हियर ओनली, आई होप आप लोगों को आज का day 3 वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा, वाइट डे वाइट कलर वाला व्लॉग, वाइट वाइट में सब, तो आई एम एंडिंग द व्लॉग हियर ओनली, मैं आप लोगों को मिलती हूँ कल के व्लॉग में, कल का कलर कौन सा मामा, रेड, कल रेड कलर है,
तो लेट्स से अभी रेड में हम लोग को क्या कॉम्बिनेशन करने मिलेगा रेड के साथ, अभी ढूंढना पड़ेगा पूरा कबर्ड में रेड कलर में क्या पहन सकते हैं। सो मैं कल के ब्लॉग की भी तैयारी कर लेती हूँ थोड़ा सा, यहाँ की इस ब्लॉग को आज यहीं पर एंड कर देते। आई विल मीट यू टुमारो इन टुमारो ब्लॉग, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि। बाय बाय, बटाटा वड़ा खाने के लिए आइए। बाय बाय, सी यू।